नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। सच्चा नेता वही है जो जनता का संपूर्ण ख्याल रखे, मुनिश्री ने कहा। देश के नेताओं को भ्रष्टाचार छोड़कर आम नागरिकों की समस्या का ध्यान देना चाहिए, तभी राम राज्य आएगा। रायसेन के गैरतगंज में विराजमान मुनिश्री निर्णय सागर महाराज का मानना यह है कि आज के नेता राम राज्य तो लाना चाहते हैं, लेकिन राम की तरह काम नहीं करते। जिस तरह राम ने अपनी प्रजा का ख्याल रखा, उस तरह नेताओं को आम जनता का ख्याल रखना चाहिए। इंडियन न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। राजनीति शब्द को आज लोगों ने बिगाड़ दिया है। राजनीति का मतलब होता है न्याय पद्धति से अपने से अधीनस्थ और छोटे लोगों का हमेशा हित का ध्यान रखना, किंतु आज लोगों ने धन की लोलुपता में आकर के उसकी परिभाषा बदल दी है। करते हैं भ्रष्टाचार और लोगों से कमाई हो रही है। होना ये चाहिए कि राम राज्य में जैसा चलता था कि राम अपनी प्रजा के प्रत्येक व्यक्ति को अपने पुत्र की तरह पालन करते थे, उनके सुख में सुखी होते थे, उनके दुख में दुखी होते थे, उसी प्रकार आज की राजनीति होना चाहिए, वो आज के नेता होना चाहिए। इतना याद रखना, कलयुग ही मानता हूँ पर आज भी अच्छे लोगों की कमी नहीं है। मैंने कई लोगों के बारे में सुना है। एक मध्य प्रदेश से विधायक हुआ करते थे कपूरचंद जी, वो रात में भोजन नहीं करते थे और पैर में चप्पल नहीं पहनते थे और लोगों की सेवा किया करते थे। एक मध्य भारत के मुख्यमंत्री भैया मिसीला जी गंगवाल हुए हैं, उनके संदर्भ में भी सुना था। वो मुख्यमंत्री रहे किंतु घर का उनका मकान नहीं था। ऐसे निष्प्रय लोग आज दुनिया में कलयुग में भी उपलब्ध हैं।